सत्ता के मद में चूर होकर लाख कोशिश कर ले हमको डेमोलाइज करने के लिए, वो 1000 छापा मार ले, ना लालू यादव झुकने वाले हैं ना उनकी आवाम उनको छोड़ने वाली है। 2024 के चुनाव के पहले फिर से लालू जी के खिलाफ एक साजिश रची गई है। ये तो सत्ता के मद में चूर होकर साजिश करने वाले लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस महोदय ने कहा था कि CBI एक सरकारी तोता है और वो तोता सड़ चुका है। ये समझना चाहिए CBI को भी कि लालू जी के प्रति कितना लोगों का प्रेम है, कि राष्ट्रीय जनता दल का परिवार एक एक कार्यकर्ता कोई हतोत्साहित नहीं होने वाला है। CBI आज मौका देख रही है, लालू यादव बीमार हैं, बेड पर हैं, वो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। तेजस्वी यादव आज इंग्लैंड में है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं राबड़ी आवास पर। सुबह से लेकर अभी तक CBI की रेड जो है वो जारी है। तमाम जितने RJD के वरिष्ठ नेता हैं वो सभी यहाँ पर एकजुट हैं। श्याम रजक है हमारे साथ, राष्ट्रीय महासचिव है। श्याम रजक जी, ये आज कोई पहली बार नहीं है। ये तो हमने कहा कि सत्ता के मद में चूर होकर लाख कोशिश कर ले हमको डेमोलाइज करने के लिए, लालू यादव का परिवार यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का परिवार एक एक कार्यकर्ता कोई हतोत्साहित नहीं होने वाला है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता है। इस टाइमिंग को आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव यहाँ है नहीं, लालू प्रसाद करना चाहें, मैं तो कहता हूँ कि और भी करना चाहें, हमसे जो भी परीक्षा लेना चाहें धैर्यता का, हम धैर्यता की परीक्षा में हरदम पास हुए हैं। और भी सताएंगे तो जो बात निश्चित होगा। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। लाख ये तो सत्ता के मद में चूर होकर साजिश करने वाले लोग हैं। वो तो BJP के लोग तो कह रहे हैं कि भाई CBI पर तो मेरा जोर है नहीं। हाँ, उनका कोई जोर नहीं है, उनका जोर होना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिस पर उनका जोर नहीं होना चाहिए, उस पर मुझको कुछ नहीं कहना है। वो तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं विश्व जान रहा है। अब चलिए मैम हमारे साथ हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव आपके घर से वही खाने पहुंचे थे, हमने तस्वीर देखी हैं। अब जब तेजस्वी यादव यहाँ मौजूद नहीं है तो लगता है कि लालू परिवार यहाँ कहीं अकेला रह गया है। जो लोग कह रहे हैं कि CBI पे उनका जोर नहीं है, ये भी लोग कह रहे हैं। तो आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले और कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस महोदय ने कहा था कि CBI एक सरकारी तोता है और वो तोता सड़ चुका है। वो इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं करता कि क्या सच्चाई है और क्या बुराई है, वो इन्वेस्टिगेशन उसको जो आदेश मिलता है CBI आदेश पाल की तरह काम करता है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो मुलाकात हुई, लगता है कि उसके बाद ये जो देखिए वो तो एक इफ्तार का माहौल था और निश्चित रूप से मुलाकात, देखिए निश्चित रूप से जातीय जनगणना ये बिहार की मांग है ना, ये देश की मांग है। कोई तेजस्वी यादव और माननीय नीतीश कुमार या माननीय तेजस्वी यादव का अपना मांग नहीं है, ये पूरा देश चाहता है कि जातीय जनगणना हो। और इसको अगर रोकना चाहती है या सताना चाहती है तो एक अलग बात है, लेकिन आदरणीय लालू राबड़ी देवी अकेली हैं, निश्चित रूप से पहले खबर करना चाहिए। और CBI रेट थोड़ी मारी जाए, देखिए ऐसा है कि मौका देखती है ना CBI, आज मौका देख रही है। लालू यादव बीमार हैं, बेड पर हैं, वो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। तेजस्वी यादव आज इंग्लैंड में है, CBI ने रेड मारा है, ठीक है। लेकिन 2005 से 2009 तक जो आरोप लगा है कि कई लोगों को नौकरी दी गई, बदले में जमीन लिया गया, पैसा लिया गया। देखिए नौकरी देना तो लालू यादव का काम ही है, जब तक रहे कुलियों को भी उन्होंने दिल्ली, आप नई दिल्ली स्टेशन पर देखे होंगे कि वाहिद नेता रेल मंत्री के रूप में जब ट्रेन से उतरे तो कुलियों ने उनका स्वागत किया और कुलियों को भी उन्होंने नौकरी दे दी। लेकिन और सब जो आरोप है बेवजह बेबुनियाद भ्रमित करने का आरोप है, इतनी बार छापामारी CBI ने की है, क्या उनको कभी मिट्टी में गड़ा हुआ कुछ चवन्नी मिला है? CBI को आज तक कभी भी इतने छापेमारी के बाद कुछ नहीं मिला। खड़े हैं, कड़ी धूप है तभी लोग अभी भी यही खड़े हैं। देखिए ये समझना चाहिए CBI को भी कि लालू जी के प्रति कितना लोगों का प्रेम है, लालू जी के प्रति कितना समर्पण है। और लालू जी ने जो गरीबों मजलूमों अकलियतों के लिए किया है, जो पिछड़ों के लिए किया है, दलितों के लिए किया है, उसका ये अक्कासी है, ये लोगों के बीच संदेश है। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में टिप्पणी किया है कि CBI और ED जैसी संस्था कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता खो रही है और इनको विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एक आयोग बनाने की आवश्यकता है। अब इस पर समझा जा सकता है कि CBI किस तरह से काम करती है। CBI के द्वारा आज का छापामारी कहीं ना कहीं कल जो लंदन में तेजस्वी जी का भाषण होना था कि भारत का 25 वर्षों का भविष्य कैसा होगा, उस भाषण को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। और लालू प्रसाद जी चारा मामले में सभी मामलों में जमानत पर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी को पता है कि लालू जी अगर बिहार में रहेंगे
तो देश की राजनीति को प्रभावित करते रहेंगे। इसलिए 2024 के चुनाव के पहले फिर से लालू जी के खिलाफ एक साजिश रची गई है। चल जी, अंतिम सवाल है, जेडीयू कह रही है कि ठीक है अगर बेकसूर होंगे तो न्यायालय जाए, बेल मिल जाएगी। देखिए, सीबीआई दर्जनों छापा मार चुकी है, वो 1000 छापा मार ले, ना लालू यादव झुकने वाले हैं ना उनकी आवाम उनको छोड़ने वाली है। ये जितना सताएंगे, जितना छापेमारी करेंगे, निश्चित रूप से लालू यादव का जनाधार और बढ़ेगा। लालू यादव न कभी झुका है और न झुकेगा। लालू यादव न कभी झुका है न कभी झुकेगा। आरजेडी समर्थकों का भीड़ जो है वो बढ़ते जा रहा है, चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी पड़ रही है, फिर भी आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश काफ़ी हाई है, मनोबल बढ़ा हुआ है। और तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राबड़ी आवास के बाहर से। फिलहाल सीबीआई की रेड जारी है यहां से लेकर दिल्ली तक 15 ठिकानों पर। देखते हैं शाम होते होते सीबीआई की टीम कब तक बाहर आती है, उसके बाद लालू परिवार का उस पर रिएक्शन क्या होता है, ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।